हेलो दोस्तों कैसे हो सभी आई थिंक सारे अच्छे होंगे बहुत मस्त होंगे बट हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं मतलब मैं मैं बहुत बीमार होगी वो लास्ट में बताऊंगी रीज़न क्या था तो ये सब्जी है कांदू की कांदू का ज़ीरो पॉइंट टू वर्ज़न है तो ये मतलब अरबी नहीं होता कोई कोई अरबी भी बोलता है जो बड़ा वाला होता है वो उसका जीरो पॉइंट टू वर्ज़न है इसे कोई कोई कोचू भी बोलते हैं कांदू भी बोलते हैं कोई कोई अरबी भी बोलते हैं तो ये मेरी मम्मी लेके तो आई थी बनाने के लिए तो इसे मम्मी ने काट के फिर इसके ऊपर काफ़ी सारा नमक डाल के ऐसे ही रख दिया था काफ़ी टाइम के लिए तो इसमें ना एक वो होती है इचिंग सी होती है मुंह के अंदर तो वो नहीं होती अगर नमक पहले से डाल दो तो तो मम्मी ने पहले से नमक डाल के रख दिया था उसके बाद मसाले वगैरह तैयार किए टमाटर लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया था और वो कद्दूकस करके दिया था क्या कहते हैं उसे अदरक तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी बाक़ी मम्मी ने पहले ही कर लिया था उसके बाद मम्मी इधर तेल गरम कर रही थी और उधर वो बिठा दिया था बॉईल करने के लिए कांदू तो बॉईल हो गया था मम्मी ने कम से कम दस पंद्रह सीटी लगाई उसके बाद जाके थोड़ा सा गला था वरना गली नहीं रहा था उसके बाद मम्मी ने तेल डाला तेल के ऊपर जीरा और तेज़पत्ता और जो भी मसाले मैंने पहले बता दिया था वो सारा कुछ डाल डाल दिया था मम्मी ने तो फिर डालने के बाद फिर वो सब्ज़ी दे दिया था और फिर मम्मी ने बना लिया कम से कम इसे बनाते बनाते दो घंटे तो लग ही गया था इतना टाइम लग गया था क्योंकि ये गल नहीं रहा था ना तो उसके बाद बनाने के बाद मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं थोड़ा सा खा के देखो मम्मी ने कहा ठीक है खा खा के देख ले थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था कि ये पता नहीं इसे खा के क्या होगा क्या नहीं मैंने कहा कोई नहीं मम्मी थोड़ा सा खा के देख दो तो कै, कैसा बनाए तो मम्मी कह रही ठीक है तो खा ले तो मैंने बस एक निकाला कांदू और थोड़ा सा बहुत तरी तरी ऐसा निकाला तो मैंने थोड़ा सा चम्मच से तोड़ के जब मैंने मुंह में दिया हे hey, प्रभु ऐसे लग रहा है सर की घंटी बज गई मेरे मुंह में इतना मतलब क्या ही बता ऐसे लग रहा है। मैंने जहर खा लिया ऐसा लग रहा था बहुत ही क्या बताऊँ मैं क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ऐसे बोल सकते हो मैं मरने के मुंह से वापस आ आ गई हूँ इतना मेरे सिर में दर्द कान में दर्द गले में छाती में तो अभी भी दर्द हो रहा है इतना भयंकर था वो ना खुजली हो रही थी मुंह में मेचिंग हो रही थी क्या हो रहा था दर्द हो रहा था जलन हो रही थी मुझे पता ही नहीं लग रहा था ऐसे खाते सॉरी मम्मी फिर मम्मी ने तो सॉरी सब्ज़ी फेंक दी है मम्मी कह रही इससे खाया नहीं जाएगा इसलिए हम लास्ट में जब मम्मी खा रही है तो सब्जी दूसरी थी बाद में मम्मी ने आलू मटर बना लिया था और बैंगन का भरता बना लिया था मम्मी कह रही कोई नहीं इससे खा लेंगे इसका तो नहीं खाया जाएगा फिर मैं कम से कम तीन चार घंटे से बीमार हूँ मैं अभी तक ठीक ही नहीं हुई हूँ मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है इसके वजह से इतना दर्द मुंह में भी पूरा दर्द बोला नहीं जा रहा मैं फिर भी बकबक कर ही रही हूँ तो बाकी जब आप कांदू वगैरह खाओ थोड़ा सा सबके हैं पता नहीं आप लोगों के साथ होता हुआ है या कै कभी या नहीं हुआ है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है मैं खुद पता नहीं लग रहा कि ऐसा कैसे हुआ आखिर तो मैं तो बहुत भी क्या ही बताऊँ मेरे अमू के अंदर वगैरह सोइलिंग आ गई है बहुत मैं सच्ची क्या ही बताऊँ मैं बता मेरे से खाना भी नहीं खाया गया आज तो मेरे ब्रेस्ट में इतना दर्द हो रहा है एक थोड़ी सी वाइट भी खाऊँ ना एक वाइट भी खाऊ तो इतना तो दर्द हो रहा है बहुत दुखी हूँ मैं आज तो फिर मम्मी यहाँ पे और बाकी सारे तो मेरा मजाक बना रहे हंस हंस के लोट पोट हो रहे कि ये वो वो मैंने कहा नहीं मेरी जगह पे तुम लोग होते ना तब पता लगता मुझे पता लग रहा है मुझे कैसा हो रहा है तो फिर मम्मी खा रही थी और बाकी आप लोग मेरी मम्मी को सपोर्ट करो प्लीज़ मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है सारा दिन काम करके फिर वीडियो के लिए आपको पता ही अलग से टाइम लगता है लेकिन फिर भी मम्मी कर रही है आप लोग सपोर्ट करो मेरी मम्मी को हाँ मेरी मम्मी कुछ कर पाए ओके बाय बाय अब मेरी मम्मी को ना इतने अच्छे से हिंदी आती नहीं है तो इसलिए वो बोल नहीं पाती वरना एडिट में मम्मी की वॉइस ही डालती मैं तो ओके बाय बाय कमेंट करना लाइक like करना सब्सक्राइब भी करना भाई भाई।